गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज एक नया चैप्टर। टाइटल्ड एज सिमुलेशन। सिमुलेशन का अगर हम हिंदी मीनिंग देखने जाएं, वैसे तो ये सिमुलेशन मतलब थोड़ा वर्चुअल जैसी कोई बात हुई, आभासी भी हम इसको कह सकते हैं, पर डिक्शनरी में इसका क्या मीनिंग है, लेट्स चेक इट। सिमुलेशन का है दो तीन मीनिंग दिए हैं, एक है नकल, एक है मिथ्या आभास, एक है अनुरूपण। तो तीनों ही शब्द अपनी जगह पर काफी सही बैठते हैं, पर वो हिंदी तो अपने को और समझ में आती है, वो चीजें तो भी और ना आए। देखिए क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको एक्चुअली करने के पहले अगर पेपर्स पर या कंप्यूटर पर करके देख लिया जाए तो वो हमारे लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है। कई काम तो इनफैक्ट ऐसे हैं कि उनको एक्चुअली करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बहुत कॉस्टली हो सकता है, या समटाइम्स इम्पॉसिबल भी हो सकता है। तो अगर हम पेपर्स पर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स पर वैसी सिचुएशन सिम्युलेट कर लें, सिम्युलेटर वर्ड तो आपने पहले भी कभी कहीं सुना होगा। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, स्पेस में जाने वाले लोग होते हैं, वो स्पेस में जाएं उसके पहले उन लोगों को सिम्युलेटर पर प्रैक्टिस करनी होती। इतनी हॉलीवुड मूवीज आपने देखी है तो कुछ तो आइडिया होगा आपको। सिम्युलेटर पर पहले वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनको एक ऐसी जगह पे बंद कर दिया जाता है जहां जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और वहां पर उनको खाना पीना रहना सिखाया जाता है फॉर एन नंबर ऑफ डेज, और जब वो वेल प्रैक्टिस्ड होते हैं तब उनको एक्चुअल सिचुएशन में डाला जाता है। तो सर ऐसा करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट एक्चुअल सिचुएशन में डाल दो तो वहां कर करके सीख ही जाएंगे। वहां उन्होंने अपने स्पेस शटल का बटन एक आधी गलत दबा दिया और कुछ गड़बड़ कर दी तो वो भी गए काम से, और सेवरल हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ करोड़ रुपीज या बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी जो है सब पानी में चले जाएंगे। करके देख लो तो कोई बात होती नहीं है, पहले सीखो कोई दूसरी सिचुएशंस में जिसमें कम कॉस्ट लगे, जिसमें कम टाइम लगे, जिसमें गड़बड़ हो जाने पर कम नुकसान हो, और जब वो सिमुलेटेड सिचुएशन से आपको लर्निंग आ जाए तो उसकी बेसिस पर आप एक्चुअल सिचुएशन के डिसीजंस लो। सेवरल इयर्स बैक हिंदुस्तान ने एक एटॉमिक टेस्ट करके देखा था पोखरण नाम की जगह पर राजस्थान में, एवरीवन नो अबाउट इट। तो वो एक बार उन्होंने एक्चुअल ब्लास्ट करके देख लिया, अमेरिका ने काफी आंखें चढ़ाई थी उसके ऊपर, कुछ फाइनेंशियल सैंक्शंस भी हमारे ऊपर लगा दिए थे कि ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद हमने हजारों परमाणु विस्फोट और कर लिए, किसी को मालूम भी नहीं पड़ा, वो कंप्यूटर्स पर सिमुलेट किए गए, क्योंकि जो एक्चुअल ब्लास्ट किया उससे कई सारा डेटा कलेक्ट हुआ, और वो जो डेटा कलेक्ट हुआ वो सारे कंप्यूटर्स में फीड कर दिया, और अब नए नए ब्लास्ट कर करके कंप्यूटर्स पर ही देखते जाते हैं, और हम अपनी एटॉमिक पावर को बढ़ाते चले जाते हैं उसके साथ में। सो इफ यू सिमुलेट द थिंग्स बिफोर द एक्चुअल यू लर्न अ लॉट एंड यू कैन टेक प्रॉपर डिसीजंस एंड यू कैन मॉडिफाई योर स्ट्रेटेजीज। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल सीए फाइनल एग्जामिनेशन देने से पहले हम लोग आपके लिए कई बार एग्जामिनेशन सिमुलेट करते हैं, हालांकि वो एग्जैक्ट उतनी अच्छी ही होती है क्योंकि वो प्रोटोटाइप है, मगर फिर भी हम सिमुलेट करते हैं बार बार आपके लिए एग्जामिनेशन, जिसको हम बोलते हैं क्लास टेस्ट। और क्लास टेस्ट में कई बच्चे आते ही नहीं है, वो सिमुलेट करने की जगह डायरेक्ट एक्चुअल पोजिशन को फेस करते हैं और उसमें बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। यहां तो क्या है कि आपने देखा कि अरे मुझे आता तो सब था, पढ़ाई मैंने अच्छे से करी थी, कंसेप्ट मुझे काफी क्लियर थे, आई वॉज रियली वेरी कॉन्फिडेंट, बट जब मैं पेपर करने बैठा तो मेरा काफी सारा पेपर छूट गया। साबित हो गया कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर है और आपको स्पीड अप करने की जरूरत है।
मुझे आता सब कुछ था, लेकिन लास्ट इन मोमेंट पर मेरे से छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई। तो इससे मालूम पड़ा कि आपको छोटे कैलकुलेशंस पर ध्यान देने की जरूरत है। यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। जब आप सिमुलेट करते हैं तो आपको लर्निंग आती है और इससे आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। सर अगर हम सिमुलेट ना करें और एक्चुअल सिचुएशन में ही प्रैक्टिस कर लें तो इट विल बी रियली वेरी कॉस्टली। वो बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, शायद जान से हाथ धो बैठो आप, शायद अटेम्प्ट चला जाए, शायद करोड़ों रुपए चले जाएं। तो आई गेस ये बैकग्राउंड से आपको बात समझ में आई कि व्हाट इज सिमुलेशन। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में भी हम डिसीजन मेकिंग के पर्पज से सिचुएशंस को सिमुलेट कर सकते हैं। बट जब आप सिचुएशंस को सिमुलेट करते हैं ना, तो आप सिस्टमैटिकली बायस्ड हो सकते हैं। जैसे अगर कोई एग्जांपल हम बनाएं, आप ये देखना चाहते हैं, आप एक बेकरी चलाते हैं और वहां पर रोज पेस्ट्रीज बनाते हैं, और आप ये देखना चाह रहे हैं कि मैं अपनी बेकरी में कितनी पेस्ट्रीज बनाऊं हर दिन। तो उसके लिए या तो आप अपना खुद का एक्सपीरियंस लें, महीने, दो महीने, तीन महीने, साल भर का, और उससे एवरेज निकाल लें कि ऑन एन एवरेज हर दिन कितनी डिमांड आती है। पर एक साल तक एक्सपीरियंस लेने से अच्छा है कि हम पेपर्स पर सिमुलेट करके देख लें कि कितनी डिमांड हर दिन आती है। मान लो हमने 10 डेज सिमुलेट करे और हमने लिख दिया डे डिमांड, 5 डेज सिमुलेट करें और डिमांड जो है 50 से लेके 99 पेस्ट्रीज के बीच में कहीं पर आती है। तो मैंने अपने मन से मान लो पहले दिन 32 की डिमांड आएगी, दूसरे दिन 98 की डिमांड आएगी, तीसरे दिन 88 की डिमांड आएगी, चौथे दिन 95 की डिमांड आई, पांचवें दिन 96 की डिमांड आई, ऐसे मन से नंबर लिख दिए। अब मैं सिस्टमेटिकली बायस्ड हूं यहाँ पे, मेरी थॉट बुलिश है, मुझे लगता है मेरा माल बिकेगा ही सही, मुझे लगता है कि मेरी सेल ज्यादा होगी, तो मोस्ट ऑफ द डेज पे मैंने ज्यादा सेल लिख दी। अगर आप अपने मन से सिमुलेट करेंगे चीजों को तो आप बायस्ड हो सकते हैं, निष्पक्ष होने की जगह पक्षपात आ सकता है आपके दिमाग में। इसलिए आप खुद से कोई नंबर जनरेट करने की जगह पर रैंडम नंबर्स को यूज करें। रैंडमनेस को आप समझते हो एक इस वर्ड को, जो सिस्टमैटिक का अपोजिट है वो क्या है? रैंडम। जैसे क्लास सिस्टमैटिक है, रैंडम नहीं है। कि आज हम सिमुलेशन डे वन के कुछ चीजें पढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कल अचानक लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन नंबर 36 आ गया। क्लास रैंडमली नहीं चलती है। यहां मैंने एक बक्सा पर्ची नहीं रखा है कि सबसे पहले चैप्टर की पर्ची निकाली, फिर क्वेश्चन की पर्ची निकाली और वो सॉल्व कर दिया। वो रैंडम नहीं, वो सिस्टमैटिक है, सीक्वेंस में चलने वाली चीज है। लेकिन जब तंबोला हाउसी गेम होता है, उसमें जो नंबर्स ड्रॉ होते हैं वो सिस्टमैटिक होते हैं या रैंडम होते हैं? रैंडम होते हैं। जितनी भी लॉटरीज खुलती है जमाने भर में, स्क्रैच कार्ड लॉटरी, वो सब कैसी होती है? रैंडम होती है, उसमें कोई सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं होता है। रैंडम नंबर्स को यूज करके आप ज्यादा अच्छा निष्पक्ष अनबायस्ड सिमुलेशन कर सकते हैं। रैंडम नंबर जनरेट करने का एक तरीका है, नेचुरली आप उनको जनरेट करें। आपकी 50 से 99 तक डिमांड आने वाली है तो पर्चियां बना लें, 50 to 99 फोल्ड करें, बॉक्स में डाल दें, अच्छे से बॉक्स को हिलाएं, एक छोटे बच्चे को बुलाएं। अक्सर ही लॉटरी खोलने के लिए छोटे बच्चों को ही बुलाया जाता है क्योंकि बच्चे भगवान होते हैं, वैसे आजकल के तो शैतान होते हैं। तो वो जो बच्चे हैं वो निष्पक्ष होते हैं, मीन टू से वो एक पर्ची निकालेंगे, एक नंबर जनरेट होगा, फिर आप अपनी पेस्ट्री की डिमांड यहां लिख लेंगे, उस पर्ची को वापस बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे क्योंकि अगले दिन सेम डिमांड भी तो आ सकती है। फिर दूसरी पर्ची निकालेंगे, उसका नंबर यहां लिख देंगे, फिर ऐसे पर्चियां निकालते जाएंगे। ये 5 दिन 10 दिन का एक्सपीरियंस आ जाएगा और बिना दुकान चलाए हमारे पास अब एक एक्सपीरियंस है कि हमारे पास कितनी ऑन एन एवरेज डिमांड आती है। क्या आप बात समझे? रैंडम नंबर्स को जनरेट करने का एक तरीका यही है कि आप खुद अपने रैंडम नंबर जनरेट करें। बट एग्जामिनेशन में मालूम पड़ा आप अपनी कॉपी के लास्ट के 2 पेज फाड़ रहे हैं, कॉस्ट एंड क्यूटी के पेपर में इन्विजिलेटर हैरान हद प्रभ रह गया। पता है अगर आप अपनी कॉपी का पेज फाड़ दें तो ये अडॉप्शन ऑफ अनफेयर मीन्स है और आपका रिजल्ट खत्म, वो अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा आपका। 2 पेज फाड़ लिया आपने, इन्विजिलेटर बोला क्या बोल रहे? बोले पर्ची बना रहा हूं। बोले क्यों? बोले रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, सिमुलेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना। यू कांट डू इट।
और वैसे भी अगर ये 2-5 रैंडम है नंबर है ट्रायल रन है तो ठीक है, लेकिन अगर 10,000 ट्रायल रन चलाने हैं तो फिर पर्चियां निकालना कोई अच्छा तरीका नहीं माना जा सकता है। ऐसे केस में ना रैंडम नंबर टेबल्स आती हैं जो एग्जाम में आपको दे दी जाएगी, और उसमें एक सीक्वेंस में 10-20 नंबर उठा लो, वो रैंडमली होते हैं। एक्सेल पर भी आप रैंडम नंबर टेबल जनरेट कर सकते हैं, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एरिया सिलेक्ट एंटर, रैंडम नंबर जनरेट हो जाते हैं वहां पर भी, मतलब कुछ तो भी आगे पीछे ऊपर नीचे कितने डिजिट के नंबर आपको जनरेट करने हैं उसके हिसाब से सेल की सेटिंग आप कर सकते हो। आपके नोट्स में मैंने लास्ट में रैंडम नंबर टेबल दी है सबसे आखिरी पेज पर, आपके नोट्स में बेटा जितनी भी टेबल्स मैंने दी है ना कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड नहीं करी है, सारी टेबल्स एक्सेल पर बनाई गई हैं, इसलिए वो डाउनलोड करी हुई टेबल्स तो बड़ी धुंधली अजीब सी आती है। ये मैंने अपने हिसाब से पूरा सीट बनाई थी, ये रैंडम नंबर है यहां पे, जैसे आप पहला कॉलम ले लो, इसमें पहले कॉलम में अगर हमको 4 डिजिट रैंडम नंबर चाहिए तो 6340 4974 1844 2793 एंड शो ऑन। आप चाहें आपको 2 डिजिट्स रैंडम नंबर चाहिए तो लास्ट 2 डिजिट्स ले लो, 40 74 44 93 81 17 58 52 35। फर्स्ट 2 डिजिट्स भी ले सकते हो, 2 डिजिट रैंडम नंबर चाहिए तो 63 49 18, मिडिल 2 भी ले सकते हो 34 97 84, मगर जो ले लो हाँ फर्स्ट, मतलब वो कॉम्बिनेशन बनाने में अपने दिमाग पर लोड आएगा ना, अब रैंडम नंबर ही लेना है तो उठाओ ले लो, दिमाग क्यों लगाओ, तो फर्स्ट 2 ले लो लास्ट 2 ले लो। पर सर इसमें भी फिर रैंडम में भी रैंडम करूं क्या, एक यहां से ले लो एक वहां से, नहीं रैंडम में रैंडम कहीं सिस्टमैटिक नहीं हो जाए, एक लाइन से सिस्टमैटिकली नंबर उठा लो, एक रो में या एक कॉलम में वो नंबर सब उठपटांग ही, रैंडम मतलब उठपटांग नॉट प्लान्ड, वो नंबर अपने आप वैसे मिल जाएंगे। क्वेश्चंस में इस बात को कैसे अप्लाई किया जाए वो एक क्वेश्चन करके ही हम समझते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 1, लिखा है अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स अराउंड 200 मोपेड्स। नहीं यहीं से स्टार्ट करो, कुछ डिक्टेशन नहीं है इसमें, कुछ लिखवाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बड़ा सिंपल चैप्टर है। इन फैक्ट SFM में भी हम इसके कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं, सभी चैप्टर्स में सभी सब्जेक्ट्स में ये काम आता है। अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स अराउंड 200 मोपेड्स, लगभग 200 मोपेड आप टू व्हीलर्स आप हर दिन बनाते हैं। Depending upon the availability of raw material and other conditions, the daily production has been varying from 196 mopeds to 204 moped. 196 और 204 के बीच में कहीं fluctuate होती है आपके production. 196, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 9 possible outcomes are there, whose probability distribution is given below. हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा कि 196 मोपेड बने इसकी प्रोबेबिलिटी 5% है, 100 में से 5 बार ऐसा होता है, सबसे ज्यादा बार तो ऐसा होता है कि 200 मोपेड ही बनती है, सबसे ज्यादा बार 200 मोपेड ही बनती है क्या, 100 में से 20 बार ऐसा होता है कि 200 मोपेड बनती है, 100 में से 6 बार ऐसा भी होता है कि 204 मोपेड्स बन जाती है, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। The finished mopeds are transported in a specially designed 3-storied lorry. Two-wheelers or four-wheelers के transportation के अलग trucks होते हैं, आपने कभी highway पर देखा होगा तो उसमें एक के ऊपर एक मंजिल होती है जिसमें आप रख सकते हैं, क्योंकि उनका वजन तो बहुत ज्यादा नहीं होता है, मगर उनको ऐसा नहीं कि भर दो, उनको systematic रखना पड़ता है, इसलिए 3-story lorry में भेजते हैं। That can accommodate only 200 mopeds. लॉरी की कैपेसिटी एग्जैक्ट 200 मोपेड को कैरी करने की है। यूजिंग द फॉलोइंग 10 रैंडम नंबर्स, एंड थैंक गॉड रैंडम नंबर यही दे दिए, ICAI रैंडम नंबर टेबल देने की रिस्क भी नहीं लेगा, किसी ने फर्स्ट कॉलम से रैंडम नंबर उठा लिए, किसी ने थर्ड कॉलम से, किसी ने फर्स्ट 2 डिजिट्स ले ली, किसी ने लास्ट 2 डिजिट्स, तो
स्टूडेंट टू स्टूडेंट रेंडम नंबर क्या हो जाएंगे? चेंज. और रेंडम नंबर चेंज होगा तो पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन और फाइनल आंसर सब बदल जाएगा. कॉपी चेकर के लिए बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा, इसलिए वो यूजुअली रेंडम नंबर्स पब्लिश कर देते हैं पेपर में ही, ताकि सब एक से रेंडम नंबर यूज करें, सबके स्टेप्स और फाइनल आंसर सब कुछ सेम हो जाए. तो यहां पर रेंडम नंबर्स भी दिए हुए हमको, 82, 89, 78, 24, 53, 61, 18, 45, 0, 4, 23. सिम्युलेट द प्रोसेस टू फाइंड आउट. 10 रेंडम नंबर दिए हैं, मतलब हम 10 दिन सिम्युलेट कर सकते हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4. ठीक है. सिम्युलेट द प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ मोपेड्स वेटिंग इन द फैक्ट्री. ज्यादा प्रोडक्शन हो गया 204, तो लॉरी तो ले जाएगी केवल 204 जो है वेटिंग में आ जाएगी. व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस ऑन द लॉरी. ऐसा भी हो सकता है क्या किसी दिन लॉरी थोड़ी खाली जाए, 196 बनी तो 4 की जगह खाली भी जाए, ऐसा भी हो सकता है. अब बेटा एक छोटी सी प्रॉब्लम दिख रही है कि जो रेंडम नंबर होने थे वो 196 से 204 के बीच होने थे. सुनो मेरी बात, क्या करना था क्वेश्चन ने कि मतलब एग्जाम हॉल में नहीं और हम यहां बैठे हुए क्लासरूम में, तो हम क्या करें, 8 चिट बना लें. नो, 196 एक चिट पे लिखें पेपर पर, 187, 198, 199, 200, 201, 2, 3, 4 उनको फोल्ड करें और रख दें और कोई एक निकाल लें. 196, तो पहले दिन कितनी लॉरी कितनी मोपेड बनी, 196 वापस रख दें, फिर अच्छे से हिलाएं निकालें, 199 बनी. पर रेंडम नंबर जो है वो 196 और 204 के बीच होने की जगह 00 और 99 के बीच है. क्योंकि टू डिजिट रेंडम नंबर है तो 0 और 99 के बीच है. अब पहला नंबर रेंडम नंबर 82, मतलब पहले दिन 82 मोपेड्स बनेगी, ये तो बेवकूफी की बात है, 82 तो मोपेड बनती ही नहीं है. तो रेंडम नंबर टू डिजिट्स के हैं, तो मतलब रेंडम नंबर है 0 टू 99 और मोपेड है 196 टू 204. कैसे इन रेंडम नंबर्स को इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए यहां पे क्या किया जाता है, एक रेंज टेबल बनाई जाती है. तो आप स्टेप नंबर 1 लीजिए क्वेश्चन की, हर क्वेश्चन में रेंडम नंबर टू डिजिट्स थ्री डिजिट्स दिए हुए इसी तरह से रहेंगे और हमको ऐसी रेंज बनानी पड़ेगी. ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, कोई एक्सेप्शनली अलग क्वेश्चन आ जाए तो अलग है. स्टेप 1, इसको हम एक नाम दे देते हैं, रेंज टेबल. और इसमें एक कॉलम मैं बना लेता हूं रन, नहीं आई एम सॉरी, इसमें सबसे पहला कॉलम हम लोग यही बना लेते हैं ना, प्रोडक्शन का. प्रोडक्शन अपना है 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204. अब चूंकि रेंडम नंबर 2 डिजिट्स हैं, अच्छा यहां मैं प्रोबेबिलिटी लिख लेता हूं. अब प्रोबेबिलिटी पहले कितनी, 0.05. छोटी सी बात पे ध्यान देना बेटा, अगर ये रेंडम नंबर 3 डिजिट्स के दिए होते हैं तो मैं इसको 0.050 लिख लेता, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक. बाद में एक जीरो बढ़ा दें कोई तकलीफ तो नहीं है उससे, ठीक है. कैसे अभी मैं बताऊंगा उस बात को और फर्दर. 0.05 के बाद 1, 2, 1, 4, 0,
20, ओके, 0.15, 0.11, 0.08. अरे ये मैंने 0.8 के नीचे लिखना है 0.6. अब मैं क्या करूंगा, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी लिखूंगा. क्यूमुलेटिव बताइए आप मुझे, टोटल 5, 9, 14, 12, 26, 40, 60, 75, 86, 94, and 100. ठीक है, ये क्यूमुलेटिव टोटल हो गया. अब मैं क्या करूंगा, रेंज बनाऊंगा. देखो बेटा, रेंज बनाने में ऐसा है कि रैंडम नंबर टू डिजिट्स में है ना, तो रेंज में जो भी नंबर आए वो टू डिजिट्स ही होना चाहिए. तो टू डिजिट्स का सबसे छोटा नंबर है 0, मतलब कि 0, 0, और सबसे बड़ा नंबर है 99. अगर मैं इनको एज इट इज देखो, इन सब देखो टू डिजिट्स में, तो इन सबको 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा अगर, तो ये 5, 14, 26, 40, 60, 75, 86, 94, 100, 100 मतलब ये एक नंबर थ्री डिजिट्स में हो गया. तो इन सबको मैं ना एक एक कम कर लूंगा, जैसे इसको 5 बोलने की जगह 4 तक लूंगा मैं, 0 से 4, और फिर यहां से पकड़ूंगा 5, फिर 5 से लेके 13 तक. समझे आप, एक कम कर लिया, 0 से स्टार्ट करूंगा, एक कम कर लिया तो 4 तक. अगर यही मुझे 3 डिजिट्स रेंज बनानी होती ना, तो मैं 0 से लेके 50, ये फिर मैं 5 नहीं देखता, फिर मैं इसको कैसा देखता कि ये क्या है 50, तो फिर वो कहां जाती रेंज, 0 से लेके 49, तो ये आखिरी वाला हो जाता 1000, उससे एक कम करते तो कहां आते 999. यही अगर 4 डिजिट की रेंज बनानी होती तो 0500, मतलब ये मुझे दिखता 500, तो 500 में से एक कम करता तो 499, और ये आता 10,000, 10,000 में से एक कम करता तो 9999. और अगर यही सिंगल डिजिट में होनी होती रेंज, टू डिजिट्स की जगह, तो मैं इसको फिर ये जो है आखिरी वाला, इसको मैं 10 मानता, मतलब इन सबको मैं 100 से नहीं मल्टीप्लाई करके सोचता, 10 से मल्टीप्लाई करके सोचता, तो फिर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसे केस में तो बेटा इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5 होगा, तो गड़बड़ी हो जाएगी. तो क्वेश्चन कभी भी आपको जो रेंज देगा ना, वो टू डिजिट्स की देगा, और अगर 1 डिजिट वाली रेंज देगा रेंडम नंबर की, तो फिर इस बात का ख्याल रखेगा कि फ्रैक्शन में ना आए. ये तो क्वेश्चन ने रेंडम नंबर दिया है तो हम बंध गए, नहीं तो हम तो अपने रेंडम नंबर खुद सिलेक्ट करते हैं ना, कि टू डिजिट्स रेंडम नंबर लेना है, कि 3 डिजिट्स लेना है, कि 4 डिजिट्स लेना है. क्वेश्चन ने 2 डिजिट्स दिए हैं, इसलिए हम जो रेंज बना रहे हैं वो 2 डिजिट्स में बना रहे हैं. हाँ, इसके बाद में 14 to 25, 26 to 39, 40 to 59. पीछे वाले बच्चे बोलो, अब 59 के बाद क्या लिखूं, 62 to 74, 75 to 85, 86 to 93, 94 to 99. सर तो ये क्या है बेटा, ये इसलिए है कि अब वो जो हमारे पास 2 डिजिट वाले रेंडम नंबर है ना, वो इसके अंदर फिट होंगे, उससे हम डिमांड देख लेंगे. ये अपनी स्टेप नंबर 1 हो गई, इसको प्रॉपरली नोट कर लो, ज्यादा आगे की अभी मत सोचो, एक क्वेश्चन कम से कम पहले पूरा सॉल्व होने दो, उसके बाद सोचना. ओके,
हाँ जी, नोट कर लिया आपने इसको। अब स्टेप नंबर टू लेते हैं हम लोग। स्टेप टू को हम कह सकते हैं रन टेबल। चूंकि 10 रैंडम नंबर दिए हैं तो हम 10 दिन के रन चला पाएंगे, ठीक है। रन नंबर वन, इसमें आप चाहे ना तो एक यहां रैंडम नंबर का भी कॉलम बना सकते हैं। ये जो रन टेबल है ना बेटा, रेंज टेबल तो मोर और लेस हर बार ऐसी बनेगी। रन टेबल अपनी जैसी जरूरत पड़े उसके हिसाब से कुछ कॉलम्स बढ़ा सकते हैं, कुछ कॉलम्स कम कर सकते हैं। अब रन नंबर वन मतलब सबसे पहला रैंडम नंबर उठाओ, कितना है? 82। 82 को यहां पे देखो, क्या 82 75 से 85 के रेंज में आएगा? अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि एक रैंडम नंबर दो रेंज में फिट हो रहा हो तो फिर हम क्या करेंगे? अभी जैसे 85 होता तो वो इसमें भी फिट हो जाता, पर इसमें फिट नहीं हो पाता। अरे पर कोई होता ऐसा नंबर, मान लो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जो रेंज बनी हुई है ना ये इंक्लूसिव रेंज है, इसमें 75 भी इंक्लूडेड है, 85 भी इंक्लूडेड है, और अगला नंबर ये जहां खत्म हुआ उसके बाद से चालू हुआ। नहीं सर, कभी 85.5 होता तो लो, अब रैंडम नंबर हम फ्रैक्शन में क्यों लेने लग गए? वो तो फुल डिजिट्स में है, वैसे ही हमने लेने। वो तो मैं बोल रहा हूँ फिर से, तो क्वेश्चन ने दिए, अदरवाइज वी आर फ्री टू टेक आवर ओन रैंडम नंबर्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। 85 इस रेंज, 82 इस रेंज में फिट होता है, इसमें हमने देखा तो कितनी मोपेट बनी, 202 चिट निकली, 85 को टेबल में देखा, टेबल के सामने मोपेट निकली 202, तो इसका मतलब पहले दिन प्रोडक्शन हुआ 202 मोपेट। अभी हम एक कॉलम स्टॉक का भी बना सकते हैं। स्टॉक मतलब जितनी इन्वेंटरी पेंडिंग है जब ट्रांसपोर्ट नहीं हुई है, स्टॉक कितना आएगा? 2। और एक कॉलम हम चाहें तो एम्प्टी स्पेस का भी बना सकते हैं। एम्प्टी स्पेस है ही नहीं यहां पर, 0 है। पहले दिन 202 मोपेट बनी, लॉरी में 200 चढ़ गई, 2 रह गई स्टॉक में, लॉरी खाली गई नहीं गई। दूसरा रैंडम नंबर कितना है? 89 है, तो 89 यहां देखिए, 89 अगर आप यहां देखेंगे तो ये आ रहा है 203 वाले में, 203 बन रही है, 3 रह जाएगी आपकी स्टॉक में, पर एक्चुअली 3 नहीं, यहां लिखना पड़ेगा आपको 5, 2 पहले से वेटिंग थी, 3 और हो गई, तो कितनी हो गई मोपेड? 5। हम बेटा सिमुलेट कर रहे हैं, अभी ये प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन हम पेपर पर सिमुलेट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, उन संभावनाओं को हम तलाश रहे हैं। 78 202, ठीक है, 7 मोपेड्स वेटिंग। चलो चला लो इसको पूरा। बेटा आप आगे बढ़ो ना, मैं तो फिर पूरा करवाऊंगा ही। यू गो अहेड। पता नहीं आप लोगों ने एक चीज कभी एक्सपीरियंस की है कि नहीं, ऑटो रिक्शा जैसे मुंबई जैसा शहर है, मान लो, 2 मिनट रुको ना, मैं इस टेबल का रेलिवेंस बता रहा हूं आपको कि टेबल क्या काम कर रही है।
आप कभी मुंबई गए, टैक्सी या ऑटो रिक्शा में आप बैठे, उसने मीटर चला दिया। इंदौर में तो खैर एक बात करना ही बेकार है, मीटर क्या होता है समझते ही नहीं है, कहाँ जाना है, कितने पैसे लोगे, ऐसे चलता है। तो उसने मीटर चला दिया, आप जहां उतरे वहां मालूम पड़ा मीटर में आपका किराया 4.60 रुपए बना, काफी लंबा डिस्टेंस चलने के बाद। फिर वो अपने पास एक चार्ट निकालता है कि 4.60 रुपए मतलब आपका किराया जो है 322 रुपए हुआ है। और आप नए नए मुंबई गए और आप खुश रहे, वाह मुंबई इतना सस्ता है, 1 रुपए से मीटर डाउन हुआ और उसके बाद धीरे चल रहा है। क्योंकि बेटा क्या होता है, जैसे ही मीटर के रेट रिवाइज होते हैं, मीटर को रीसेट करना बहुत कॉस्टली एक्सरसाइज होती है कि मीटर हर किलोमीटर पे अब ज्यादा पैसे पे चले, वो बहुत मुश्किल होता है। तो मीटर तो उनका जो बरसों पुराना चल रहा है 1 रुपए के ऊपर से और उसके आगे वैसे ही चलता है, लेकिन एक चार्ट बना देते हैं कि अगर 1 रुपए आया है किराया, इसका मतलब किराया इतना है। तो एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हम भी तो कर रहे हैं कि रेंडम नंबर में फेर बदल करना बड़ा मुश्किल है। अब जो क्वेश्चन ने दे दिया रेंडम नंबर वो दे दिया, उसका कोई क्या करे, नहीं सर रेंडम नंबर बदल लो, उसको ऐसा मल्टीप्लाई करके डबल करके और +3 कर लो, तो नहीं कुछ नहीं करेंगे ऐसा। रेदर देन हमने क्या करा, उस रेंडम नंबर की इसके हिसाब से रेंज टेबल बना ली और यहां रेंडम नंबर फिट हुआ, इसका मतलब प्रोडक्शन इतना है। अगर हमको ही रेंडम नंबर जनरेट करने होते तो हम पक्के में पर्ची बनाते 9 जिसमें 196 से 204 लिखा होता और एक एक पर्ची निकाल के और सीधे अपना रन टेबल बन जाता। क्या आप मेरी बात समझे? हाँ बढ़ाओ इसको आगे। बोलो 198 200 201 198 बोला ना, 200 196 198 है। तो बेटा क्या होगा कि जो 7 में से 2 लॉरी इधर चढ़ा देंगे अपन, अरे 7 लॉरी वेटिंग थी ना, 7 मोपेड वेटिंग थी ना, तो 2 मोपेड इधर चढ़ा देंगे तो पूरा फुल जाएगा, खाली नहीं जाएगी लॉरी। और ये जो वेटिंग है ये कितनी हो जाएगी, 5। यहाँ पे वेटिंग में रहेगी 5 और ये जो आपकी लॉरी है वो फिर भी खाली नहीं जाएगी। वेटिंग 6 नो एम्प्टी स्पेस, वेटिंग 4 नो एम्प्टी स्पेस, वेटिंग 4 नो एम्प्टी स्पेस, वेटिंग 0 नो एम्प्टी स्पेस, वेटिंग 0 एम्प्टी स्पेस। हाँ जी सही है ये। अब हम क्या करते हैं कि एवरेज स्टॉक चाहिए हमको, तो इन सब का टोटल लगा के डिवाइडेड बाय 10 कर दें और इनका टोटल लगा के डिवाइड बाय 10 कर दें। इसका टोटल 38 है, इसका टोटल 2 है, तो एवरेज नंबर ऑफ मोपेड्स वेटिंग फॉर अ लॉरी इज 3.8। और एवरेज स्टॉक
एवरेज कितना आ गया एम्प्टी स्पेस 0.2। मतलब इससे हमको क्या मालूम पड़ रहा है, ज्यादा करके स्टॉक ही रह जाता है, लॉरी तो कम ही खाली जाती है। चलो नेक्स्ट, ऐसा और एक क्वेश्चन हमारे सामने, लुक एट क्वेश्चन नंबर टू। फ्रंटियर स्टैच्यू सर्विस मेक गणेश जी आइडॉल, अरे वाह, गणेश जी की प्रतिमाएं बनाते हैं। डेली डिमांड बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस इज एज गिवन बिलो। जीरो डिमांड आए, डिमांड 15, 25, 35, 45, 50 भी आ सकती है, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमको दी हुई है। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रेंडम नंबर्स, टू डिजिट रेंडम नंबर्स हैं, जरा काउंट करना कितने रेंडम नंबर्स हैं। 10, मतलब 10 रेंडम रन हमको चलाने हैं। यूजिंग द सीक्वेंस सिमुलेट द डिमांड फॉर नेक्स्ट 10 डेज, फाइंड आउट। अच्छा, ये डिमांड की पोजीशन है कि किस दिन कितनी डिमांड आ रही है, हम कितनी सप्लाई कर रहे हैं वो क्या बात है समझते हैं। फाइंड आउट द स्टॉक सिचुएशन इफ द ऑनर डिसाइड्स टू मेक 35 स्टैच्यूज एवरी डे, हर दिन 35 स्टैच्यू आप बना रहे हैं, तो किसी दिन कितना स्टॉक बच जाएगा वो आपको देखना है। अच्छा, गणेश जी की मूर्ति पेरिशेबल आइटम तो है नहीं, स्टॉक बच गया तो वो कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा। ऑल्सो एस्टिमेट द डेली एवरेज डिमांड फॉर द स्टैच्यू ऑन द बेसिस ऑफ, ऑल्सो एस्टिमेट द डेली एवरेज डिमांड फॉर स्टैच्यू ऑन द बेसिस ऑफ सिमुलेटेड डेटा। डेली एवरेज डिमांड का क्या मतलब निकला, कि जैसे डिमांड आप जैसे प्रोडक्शन लिखा है वैसे यहां क्या आएगी डिमांड, इसका क्या लगाना, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रन्स 10, तो डेली डिमांड आ जाएगी। फिर ऐसे स्टॉक निकालना, इन सब स्टॉक का टोटल लगाना, डिवाइड बाय 10 करना, तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा। क्या आपको लगता है आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? सो क्वेश्चन नंबर टू इज फॉर योर होमवर्क। बेटा 35 स्टैच्यू आपने बनाए हैं और मान लो डिमांड आई 25 की, तो 10 क्या हो जाएंगे स्टॉक। सर ऐसा हो जाए कि पहले दिन ही 50 की डिमांड आ जाए, तो आप एक स्टॉक के अलावा एक कॉलम बना लेना स्टॉक आउट। नेगेटिव स्टॉक आप कैरी नहीं करेंगे कि 35 बनाई डिमांड 50 की आ गई तो मैंने 50 बेच दी स्टॉक -15, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। हाँ, क्वेश्चन ये बोल देता कि जिस दिन आपकी मूर्तियां कम पड़े हैं तो पड़ोस में और एक मूर्तिकार है उससे आप उधार मांग के ले आए, और जब आपकी ज्यादा हो तब उसको दे दें, तो फिर आपका नेगेटिव स्टॉक भी हो सकता है कि मेरे 15 मूर्तियां उधार रही, 50 की डिमांड आई, मैंने तो 35 ही बनाई। क्वेश्चन ने ऐसा कुछ गाइड करा है क्या? नहीं। तो फिर ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जल्दी बोलो, स्टॉक आउट का एक कॉलम बना लेंगे, मतलब उस दिन उतनी डिमांड हम फुलफिल नहीं कर पाए। क्वेश्चन ने पूछा नहीं है पर हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। बेटा नेगेटिव स्टॉक नहीं जाएगा, यही तो मैं बात बोल रहा हूं, 50 की डिमांड आ गई 35 बनी तो 15 का क्या हो गया स्टॉक आउट, अगले दिन 35 बनी डिमांड 0 आई तो कुछ नहीं कर सकते आप, वो पूरी 35 स्टॉक में रह जाएगी। सर पिछले दिन की -15 कर लो, -15 + 35 = +20, यही तो मना कर रहा हूं मैं आपको कि अगर स्टॉक आउट था मतलब उतनी सेल आपने मिस कर दी, वो किस्सा वहीं खत्म। आप करना तो सही, अभी से क्यों दिमाग में क्यों सिमुलेट कर रहे हो, पेपर पे सिमुलेट करना है इसको, फिर जो प्रॉब्लम आएगी उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो आप।
चलो पढ़ के देखते हैं हम इसको साथ में. लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, बहुत इजी चैप्टर है, एक थोड़े सी डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ आएंगे. अदरवाइज जैसे ट्रांसपोर्टेशन में फिर भी थोड़ा सा कुछ अच्छी चीजें आई थी, चैलेंज सा लगा था, इसमें ऐसा कुछ नहीं लगेगा. पर ये तूफान के पहले की शांति है. इसके बाद आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें आपकी हवा टाइट हो जाएगी या तो निकल जाएगी, कुछ तो होगा जबरदस्त धमाका. तो इसलिए इस चैप्टर को एंजॉय करो और फिर अगले चैप्टर के लिए तैयार रहो. अ कंपनी मैन्युफैक्चर 30 आइटम्स पर डे. द सेल ऑफ दीज आइटम डिपेंड अपॉन द डिमांड विच आर हैज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. हम तो 30 यूनिट हर दिन बनाते हैं, डिमांड 27 से 32 के बीच कुछ भी आ सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है. द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल प्राइस फॉर ईच यूनिट आर 40 एंड 50. 40 में बनाओ, 50 में बेचो, 10 रुपए का प्रॉफिट है अगर बिक जाए तो. एनी अनसोल्ड प्रोडक्ट टू बी डिस्पोज्ड ऑफ एट अ लॉस ऑफ ₹15 पर यूनिट. मतलब वो बिकेगा 25 में, क्या कहते हो आप? 35 में, 15 का लॉस है, मतलब 35 में बिकेगा. प्रोडक्शन कॉस्ट 40 है और 35 में बिकेगा तो लॉस तो 5 ही हुआ. लॉस है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट है? क्या लिखा है? लॉस लिखा है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट लिखा है? लॉस है, जेन्युइन लॉस. 40 वाला 50 में बेचते हो तो 10 का प्रॉफिट होता है. और अगर दिन भर में प्रोडक्ट नहीं बिका तो एट द एंड ऑफ द डे सस्ता बेच के और घर निकल लो, अदरवाइज तो फेंकना पड़ जाएगा. तो कितने में बिकेगा सेल प्राइस बताओ? 25. बेटा 25 में बिकेगा और 40 में बनाए तभी तो 15 का क्या होगा? लॉस. ठीक है, आप जो बोल रहे हो 35, उसके लिए लैंग्वेज ये होनी थी, एनी अनसोल्ड प्रोडक्ट विल हैव टू बी सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ. वो लॉस नहीं होता, वो क्या होता? डिस्काउंट होता. 15 का डिस्काउंट देते 5 का लॉस आता, आप तो यहां लॉस ही बन रहा है, डिस्काउंट 25 हो गया इसमें. एट अ लॉस ऑफ ₹15 पर यूनिट. घर जाने का भाव है मतलब ही. वो सब्जी फ्रूट वालों का क्या होता है? एक बोनी बट्टे का भाव होता है जब वो बार्गेन नहीं करता है, और एक घर जाने का भाव होता है कि अब तो मैं घर ले गया तो सब फेंकना ही पड़ जाएगा, ले जाओ, छाटो बिनो वाला काम वहां होता है. सर रेस्टोरेंट हॉस्टल वाले उसी टाइम पहुंचते हैं घर जाने के भाव पे. देयर इज अ पेनल्टी ऑफ ₹5 पर यूनिट इफ डिमांड इज नॉट मेट. लो अब ये एक नई बात बोल दी इसने कि डिमांड ज्यादा आ गई और प्रोडक्शन मान लो आपका 30 है और डिमांड आ गई 32, तो 2 यूनिट पे पेनल्टी लगेगी, ₹5 पर यूनिट. प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टे लॉस हो जाएगा ₹5 पर यूनिट का. पता है ये कैसे हो पाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि एक बंदा आया, उसने बोला 32 यूनिट्स पैक कर दो, तो आपने बोला भाई साहब 32 नहीं है, आप 30 ले लो. उसने बोला देखो भाई या तो 32 दे दे या रहने दे. तो स्टोरी यहां नहीं दी है, हम बना रहे हैं अपनी समझ के लिए. तो हम दौड़े दौड़े पास वाली दुकान के पास गए, भैया 2 दे दे यार. वो भी समझ रहा है कि हम फंसे, 55 में दूंगा, 55 में दूंगा और मैं बेचूंगा कितने में? 50 में. तो मतलब हर जितनी भी डिमांड, जितना स्टॉक आउट है, उस पर हर यूनिट पे कितने रुपए मुझे लॉस है? ₹5 का लॉस है. और जितनी बिक जाएगी वो 2 यूनिट पे तो ₹5 का लॉस है, और जो 30 यूनिट बिकेगी उसमें हर एक पे ₹10 का प्रॉफिट है, और जो नहीं बिकती है उसमें ₹15 का लॉस. कुल मिला के बना लो और बेच दो, 10 कमाओ. बना लो ना बिके 15 खो दो. बनाओ भी नहीं और डिमांड आ जाए तो भी ₹5 का नुकसान है. ये समझ में आना चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर हमारे इंटरप्रिटेशन डिफरेंट निकल आए पहली बार पढ़ के तो फिर हमारा आंसर गलत होगा, नंबर कट जाएंगे. Using the following random number estimate total profit loss for the company for next 10 days. 10 random number हमको दिए. If the company decides to produce 29 items per day, फिर 30 की जगह 29 हो तो क्या होगा? वो भी पूछा है, मतलब पूरा क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा 29 के हिसाब से. What is the advantage or disadvantage of the company? Do it now. I won't give it in homework. अभी करो इसको आप.
हम चाहें तो डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, स्टॉक आउट या कुछ यूनिट तो हमसे पूछी नहीं है। अब जैसे 28 यूनिट की डिमांड आई है तो 28 यूनिट तो बेच दो, डिमांड आई है तो हर यूनिट पर 10 रुपए कमाओ, और 2 यूनिट जो अनसोल्ड है उस पर 15 रुपए का क्या करो, लॉस। 28 की डिमांड आई तो 28 बेच के 10 कमाओ, 2 की डिमांड नहीं आई तो उसमें 15 रुपए का लॉस उठाओ, और नेट प्रॉफिट कितना, 250। 32 की डिमांड आ गई ना तो 30 तो प्रॉफिट देके जाएगी और 2 क्या देगी हमको, लॉस, 290। 300 में से गए 10 तो 290 तो आएगा। नहीं, 29 एक बार, तो अभी हम 30 यूनिट का प्रोडक्शन के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, फिर दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा 29। एक कॉलम और बनेगा प्रॉफिट का कि ये तो 30 यूनिट का प्रोडक्शन है तो ये प्रॉफिट है, अगर 29 यूनिट पर डे का प्रोडक्शन होता तो प्रॉफिट क्या होता, एक कॉलम और बनाएंगे बाद में। देखो एक मिनट, सब लोग यहां ध्यान दो, एवरीबडी। 32 में आपकी एक ओपिनियन ये भी आ सकती है कि सर 32 की डिमांड आई तो 32 पे 10 रुपए कमाओ और 2 यूनिट पे 5 रुपए का लॉस उठाओ। ये इंटरप्रिटेशन बताए क्या हुआ कि 40 वाला 50 में बेचने की जगह पर शायद हम 45 में खरीद के ला के 50 में बेच रहे हैं, मे बी। बेटा सुनो मेरी बात, दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में क्या है वो देखना पड़ेगा। नहीं सर, सही क्या है, 55 में लाके 50 में बेचना सही है कि 45 में लाके 50 में बेचना सही है? बेटा सब कुछ सही है जैसी सिचुएशन हो, क्वेश्चन में क्या, आप मेरी बात पे कॉन्सेंट्रेट, कैलकुलेशन बंद, कॉन्सेंट्रेट करो। क्वेश्चन में लिखा देयर इज ए पेनल्टी ऑफ ₹5 फॉर अनमेट डिमांड। इसके दो इंटरप्रिटेशन निकाले जा सकते हैं कि जो डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है वो बाजार से खरीद के लाना पड़ेगा, और 5 रुपए की पेनल्टी मतलब नो प्रॉफिट इंस्टेड लॉस ऑफ 5 रुपीज। 5 रुपए की पेनल्टी का एक मतलब भी निकल सकता है देर विल बी प्रॉफिट बट पेनल्टी ऑफ 5 रुपीज, मतलब 5 रुपए एक्चुअल लॉस नहीं है, 5 रुपए लॉस ऑफ प्रॉफिट है। मतलब बाजार से हम 45 में खरीद के लाएंगे तो ये हो गई ना 5 की पेनल्टी, जो हम 40 में बनाते थे वो 45 में खरीदा, 5 की पेनल्टी है, तो उल्टे 5 रुपए का क्या है, नेट प्रॉफिट ही है। आप क्या बोलते हो, क्या इंटरप्रिटेशन लें कि 5 रुपए लॉस है कि 5 रुपए लॉस ऑफ प्रॉफिट है? वोट कर दें। कितने बच्चे बोलते हैं कि हम अज्यूम करें कि 5 रुपए लॉस है? कितने बच्चे बोलते हैं कि हम अज्यूम करें कि 5 रुपए लॉस ऑफ प्रॉफिट है? तो मेजॉरिटी चाहती है कि इसको लॉस माना जाए, और हमने भी वही माना है, हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे। नहीं सर, पर अब एग्जाम में क्या करेंगे? बेटा एग्जाम में क्या होता है कि जो पेपर सेटर है ना उसकी कम्युनिकेशन स्किल अगर पुअर है तो उसका नुकसान आप उठाएंगे। अगर आप May 13 और November 13 के SFM के पेपर देख लेना, ऐसा लगता है जैसे कोई हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुए 12th स्टैंडर्ड के बच्चे की इंग्लिश लैंग्वेज है, इतनी ग्रामेटिकल एरर्स है और क्या लिखा है और पढ़ने पे कुछ और ही समझ में आ रहा है। यहां तो कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, यहां लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। साफ साफ लिख दो ना, फॉर अनमेट डिमांड वी विल हैव टू बाय द प्रोडक्ट एट ए प्राइस हायर देन द सेलिंग प्राइस। क्या जाता है ये लिखने में, 2-4 लाइन है, एक लाइन ही और बढ़ेगी आधी लाइन। या फिर क्लियरली लिख दो, फॉर अनमेट डिमांड वी विल हैव टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट एट ए प्राइस हायर देन आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कुछ नहीं लिखा है तो हमने अज्यूम कर लिया है, और अज्यूम करने से हमको क्या मिला कि हमने माना कि ये 5 रुपए हमारा एक्चुअल लॉस है, तो 30 यूनिट तो 10 रुपए के प्रॉफिट में बिकेगी और 2 यूनिट 5 रुपए के प्रॉफिट में नहीं, 5 रुपए के लॉस में बिकेगी। बढ़ो आगे इस हिसाब से।
हाँ वो आज नए बच्चे बैठे होंगे तो बैग वैग मत लेना, जो नए बच्चे हों उनके नाम मोबाइल नंबर नोट कर लो, और जो पुराने बच्चे बैठे हों वो ये मत बोलना कि हम आज से आए। ये सही है बेटा, 27 यूनिट की डिमांड आई तो 27 तो 10 में बेचेंगे, और 3 यूनिट पे 15 रुपए का लॉस लेंगे, 270 में से जाएगा 45 तो 225, 300, 250, 250, 250, टोटल 2695, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 269.5। अब जो 29 यूनिट के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो कुछ मत करो, बस यही एक कॉलम और बढ़ा दो प्रॉफिट का, मतलब ये डिमांड विमांड सब सेम, रेंज टेबल छोड़ो, ये डिमांड भी सेम आएगी, बस आपको ये करना है, बताता हूं मैं कैसे। यहां देखो प्रॉफिट 29 यूनिट बना रहे हैं हम, और डिमांड आई 28 की, 28 यूनिट बेच के 10 रुपए कमाएंगे, एक यूनिट पर 15 रुपए का क्या होगा लॉस, कितना आएगा, 280 में से गया 15, 265। कुछ नहीं करना है, बस प्रॉफिट का ही एक कॉलम और बनाना है। टू सिक्सटी फाइव के बाद टू फोर्टी, थ्री हंड्रेड, टू सिक्सटी फाइव, टू सिक्सटी फाइव, 265, 27, 27. कुछ गलत है? क्या गलत है बताओ,
ये 275 है, ये सही है, तो थर्ड क्यों बोल रहे हो फिर? ये 275 है, यहां कितना है? सारी काट दूं क्या? फिर से बोल, 265 275 285। बेटा हां बोल दो ना, बाकी लोग बीच में, यहां तो ठीक है, फिर नहीं काटूंगा, आप जो लिख दूंगा वो सही मानूंगा। ये 275 सही है। अगला 2 275 240। यहां तक आम सहमति है, फिर 285 265 265 265। टोटल बोलो 2695। लो भाई 29 यूनिट बना के भी वही प्रॉफिट है जो 30 यूनिट्स बना के प्रॉफिट है। क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है, मगर अपने को अब थोड़ी इचिंग हो रही है बोलने की कि अरे फिर तो 30 यूनिट बनाने का क्या मतलब है, हमको क्या बनना चाहिए? 29 यूनिट्स बनाना चाहिए। रोज 8 घंटे पढ़ के भी उतने ही नंबर आ रहे हैं जितने रोज 6 घंटे पढ़ के आ रहे हैं। ये देखो, समझ में आया ना? ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, उसको सॉल्व करिए, बाकी बातें कल समझते हैं।